Hey everyone, welcome back to another vlog. First of all, thank you so much for all the love and support on my previous video, jo tha Joker ke upar. And aaj hum bana rahe hain Spiderman ka artwork, jo ki ek level up hone wala hai. Isme main ek Spiderman nahi, balki teen Spiderman add karne wale hain. Jo bhi sare Spidermans hain from the movies, Toby from the original Spiderman, Andrew from Amazing Spiderman, and Tom from the Homecoming. ये बहुत टफ होने वाला है गाइस, सो या लेट्स बिगिन. सो ऑब्वियसली हमारे पास स्पाइडरमैन सूट्स नहीं है, सो देयर इज अ वर्क अराउंड. लेट मी शो यू. ओके सो गाइस, ये है पूरा कॉन्सेप्ट. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लुक्स जो हम कैरी करने वाले हैं. ये है एंड्रयू का लुक, एक नॉर्मल जैकेट विद हुडी जो एंड्रू ने कैरी किया था इन द मूवी अमेजिंग स्पाइडरमैन. ये है टॉम का लुक जो मैंने लिया है फ्रॉम स्पाइडरवर्स. ये एग्जैक्टली हम ऐसा नहीं लेने वाले, दिस इज जस्ट फॉर इंस्पिरेशन. सो हम क्या करने वाले, हम लेंगे एक हुडी, रेड हुडी एंड ब्लू जीन्स जो ये लुक दे देगी, एंड अ बैग जो काइंड ऑफ एक स्टूडेंट का लुक दे देगी. सो ये बेसिकली सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए. आई नो कि दोनों स्पाइडरमैन्स अलग हैं, बट जस्ट टू गिव द कॉलेज किड लुक ये हम यूज़ करने वाले हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ टोबी, माय फेवरेट. ये लुक है फ्रॉम स्पाइडरमैन 3, द ईविल पीटर पार्कर. बेसिकली ये तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए है ये तीनों लुक्स. एंड्रू, टॉम, टोबी तीनों अलग दिखेंगे, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है. एंड ऑल्सो वी डोंट हैव different suits, so yeah, I hope you got the point. नीचे है ये तीन poses for each of these characters. ये है एंड्रू के लिए पोज, इतने tough poses लिए मैंने, let's see ये हो भी पाते हैं कि नहीं, but we will try. अगर ये हो गए तीनों poses तो काफ़ी cool दिखेगा artwork, so इसलिए मैंने लिए हैं. बस नीचे हैं vibes, I don't know ये मैं एक सही word दे रहा हूँ कि नहीं, but जो एंड्रो कैरेक्टर है ही इज़ काइंड ऑफ अ स्मार्ट गाय इन द मूवी, सो उसको एक साइंटिस्ट काइंड ऑफ एक फील देंगे. जो टॉम का कैरेक्टर है वो एक स्कूल बॉय, और जो टोबी का है वो है एक ईविल कैरेक्टर, द ईविल स्पाइडरमैन. ओके सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो हमें बनाना है. लेट्स बिगिन. मैं इतना धीरे बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि रात के लिटरली 1 बजने वाले हैं, और अभी मैं यहाँ आर्टवर्क शूट कर रहा हूँ. सो या आवाज़ नहीं. ये है वो आउटफिट्स, ये है टॉम का आउटफिट जो रेड हुडी ब्लू बॉटम जीन्स, ये है टोबी का आउटफिट जो है ईविल स्पाइडरमैन ईविल पीटर पार्कर का, ब्लैक ऑन ब्लैक, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट. जो एंड्रू का कैरेक्टर है उसके लिए चाहिए ब्लैक हुडी जो मैंने ऑलरेडी पहनी है, एंड ब्लैक जैकेट जो निकल मैंने. सो निकल जैकेट क्या हो गया, अटक गया तो इस वीडियो में गिरा आदमी ऐसा रखा है इधर, इसको अंदर ले, बजा बजा रख दे रख दे. सो गाइस, वी आर रेडी टू शूट फॉर एंड्रयू. पहले पोजेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे लिटरली जंप करना है इन पोजेस के लिए. सो लेट्स सी. सो ये पोज है. एक बज रहे हैं, सो हम इसे चल देते हैं ताकि आवाज ना आए. नाइस, आवाज नहीं आएगा. Alright guys, so Nikhil is ready with the कौन सा कैमरा है, सोनी 35mm लेंस का नाम बोलना है ना, सोनी 6400 विथ 35mm लेंस जो यहाँ था 1.4. और डिटेल बोल देना कि टायर सो वगैरह सारा बोल दे पूरा, उसका स्पेसिफिकेशन बैटरी. चलिए शुरू करते हैं. एनीवेज, सो इस कैमरा से हम शूट करेंगे क्योंकि फास्ट शूट करता है, बेसिकली मुझे जंप करना है, तो ऑब्वियसली हमें एक फास्ट कैमरा चाहिए. निकॉन थोड़ा बूढ़ा हो गया है,
तो वो इतना फास्ट शूट नहीं कर सकता है। चल गाइस शॉट देखो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ऑलमोस्ट ठीक है, यूज कर सकते हैं इसे। सेकंड अटेम्प्ट गाइस ये है सेकंड अटेम्प्ट, बट इसमें मेरा हाथ ठीक से नहीं आया जिससे वेब निकलने वाला है, बट दिस इज गोना बी चैलेंजिंग। ऑलराइट गाइस सो थर्ड अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट आ गया है, सो एक वन लास्ट अटेम्प्ट फिर फाइनल करते हैं। Alright guys, so we got the shot. Check this out. Let's go. First pose aa gaya. It looks fine. Now, Tom. Alright guys, so I'm in the Tom Holland look jo humne decide kiya tha. Ye wala. Ab iska pose hai ye. So iska bhi workaround karna padega. Obviously. वो उल्टा तो लटक नहीं सकता, सो इसका भी है एक ट्रिक। आई शो यू, इधर जा। सो बेसिकली इसमें मैं ऐसा बैठूंगा और इसको हम उल्टा रेड कर देंगे, ऐसा लगेगा कि मैं उल्टा बैठा हूँ। चल शूट कर। Alright guys, so Tom का लुक भी हो गया है जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा टफ था ये भी। Now the third look which is the Toby one जो कि मेरा फेवरेट है, so yeah। Also guys जो आपने वो ब्लैक हुडी देखी थी और ये वाली, these are my own brand Regaldo hoodies। If you want to get it, go to regaldo.in and yeah, I can promise you guys quality is just next level, also the design। So yeah, go to regaldo.in to get them. Now, let's continue. Alright guys, so we are ready in the evil Peter Parker or Let's begin the last shoot। इसमें बहुत टफ होने वाला है क्योंकि इसमें जंप करना है और सूट में आपको पता ही जंप्स वगैरह। सो दिस इज द पोज, सो या विश मी लक, मेरा सूट ना फट जाए। वैसे सूट में तो जंप नहीं हो रहा है, कुछ वर्क अराउंड करना पड़ेगा। Alright guys, so Toby pose भी आ गया है। Exactly तो नहीं जैसे plan किया था, but this will work, I guess. Alright guys, so shoot part is done. Now let's begin the editing part, the fun part.
है। Hello, Peter.
ऑल गाइस, सो दैट्स इट। फाइनली आर्ट वर्क कम्प्लीट हो गया। मैंने इस पे काम करना शुरू किया था ऑन 24th और आज है 29th। काफ़ी टाइम लगे इसे बनाने में, बट मज़ा बहुत आया। पूरा प्रोसेस आपने देखा, फ्रॉम शूट टू एडिट, प्लानिंग एवरीथिंग एंड या। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मूवी से 100% रिलेटेड नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड, बट ये बेस्ड है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर। सो या, दैट्स प्रीटी मच इट। लेट मी नो कि नेक्स्ट आर्ट वर्क में किस पर काम करूँ। मैं सोच रहा हूँ बैटमैन पर काम करने का। मैंने अभी एक ट्रेलर देखा एंड इट लुक्स फैंटास्टिक गाइस। या सो मोस्टली बैटमैन ही होगा नेक्स्ट। सो सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।